पर्यटन विभाग की एक बड़ा इंतजाम किया गया पर्यटकों के लिए। हम लोग पहले उनको अतिथि देव को स्वीकार करते हैं क्योंकि ये हमारा सांस्कृतिक परंपरा है। तो ब्यूटीफुल स्किनिंग के लिए जाने जाते हैं जो स्पिरिचुअल हेज में सूर्य मंदिर जैसा था, ये है मैप सूर्य मंदिर। चारों तरफ जंगल, चारों तरफ एक साइड में समुद्र है, वेव जंगल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम लोग बीच में पीछे वाला यहाँ से 40 किलोमीटर तक सेंचुरी पड़े हैं पूरी तक, ब्लैक बॉक, गोल्डन डियर, सब भरा हुआ है रेप्टाइल्स। तो ये था मैप सूर्य मंदिर। हम लोग यहाँ पे आए, ये चारों बाजू 12 एकड़ जमीन है। ये 12 एकड़ जमीन पे ऐसा एक मंदिर था, इसका अंदर ये सब 12 मंदिर था। तो ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे। अभी एक पार्ट है चैरियट ऑफ द सन, इसमें 7 घोड़े दोनों साइड और 24 पहिए हम लोग परिक्रमा करने वाले हैं। गर्भगृह टूट चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, आधा है गर्भगृह। ये जो ये चीज है वो ये है, ये नहीं नहीं ये वाला, ये नाट्य मंडप पहला मंदिर यही है ना, नाट्य मंडप सामने खड़े है, इसमें गैप है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ स्टेप है, स्टेप जाके इसमें 7 घोड़े चारों तरफ, 4 और 3, और यही से शुरू होगा पहिए। ये चारों बाजू 24 पहिए हम लोग परिक्रमा करेंगे। ये गर्भगृह टूट चुके हैं, अभी आधा है इसका पीछे। टूटा कैसे वो? नेचुरल कैलामिटी, बस इसका पर जो मैग्नेट का बारे में बता रहा था। इसका पर कोई कंट्रोवर्सी हिस्टोरी है, एक 12 साल का लड़का इसके कलश बैठा के यहाँ कूद मारा था। यहाँ नेचुरल कैलामिटीज थी, यहाँ मुस्लिम इन्वाइटेड अटैक भी थी, चारों चारों रीजन में बता रहे हैं। ये मंदिर अभी भी कंट्रोवर्सी स्टोरी, इसका इतना गहरा स्टोरी है, फिर भी ट्रू स्टोरीज। नेचुरल कैलामिटीज 1818 में यहाँ के टेरेबल सुनामी थी, पूरी जगन्नाथ मंदिर, पूरा सूर्य मंदिर कुछ साल के लिए ये पूरा अंदर ढक गया था, बालू पत्थर पानी पेड़। तो आहिस्ते आहिस्ते अंग्रेज का टाइम चला आया, 1957 इंडिपेंडेंस से पहले। तो फर्गुसन, लॉर्ड कार्जन, ये सब आके विजिट किए थे और इसका अंदर सब एक्सावेशन करके मूर्ति लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर में अभी पूजा हो रहे हैं। जगन्नाथ भगवान का सामने एक बड़ा पिलार है, अरुण स्तंभ, उन्होंने सूर्य भगवान का सारथ थे 7 घोड़े 24 पहिए का ऊपर। नवग्रह मंदिर आपका सामने है, वो एग्जिट गेट है, आप लोग एक पत्थर में नवमूर्ति, 1 stone 9 deities, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, वो सब अंदर पूजा हो रहा था अंदर टनल में। ये सब मूर्ति अभी बाहर पूजा हो रहे हैं क्योंकि ये डेड मॉन्यूमेंट हो गया। लोग जूता चप्पल फोटो लेते हैं, इसी नॉन लिविंग टेम्पल। तो ये होता है लिविंग नॉन लिविंग टेम्पल का सो डिफरेंस है क्योंकि ये है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट बहुत किस्म के, दो किस्म की, तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे अभी काम चल रहा है। फिर भी देखिए पहला मंदिर नाट्य मंडप, ये है ये सरलरेखा में मंदिर का कलिंगन स्टाइल, जितना मंदिर देखेंगे भुवनेश्वर लिंगराज सब एक स्ट्रेट लाइन में। पहले देखेंगे नाट्य मंडप, भोग मंडप और प्रार्थनाशाला और गर्भगृह एक लाइन पे। जगन्नाथ मंदिर में ऐसा है, लिंगराज मंदिर में ऐसा है, पीछे वाला बड़ा मंदिर टूट चुके हैं। तीनों दरवाजा था, पूर्व में शेर, दक्षिण में घोड़े, उत्तर में हाथी। देखिए उत्तर में हाथी है, दक्षिण में घोड़े है, पूर्व में शेर है। ये होता है वास्तु का मंदिर। उड़ीसा में जितना मंदिर देखेंगे ऐसा द्वार कहते हैं, सिंह द्वार, अश्व द्वार, गजो द्वार। सूर्य द्वार का पहले किरण इसी मंदिर को देखे, ये खुला था, अभी इसका अंदर भर दिया गया बालू पत्थर। सेकंड मंदिर रथ जो है 7 घोड़े जो भी, ये निकालने वाला अभी बालू पत्थर, इसका अंदर देखे गर्भगृह का ऊपर सिंहासन थी। सिंहासन अभी भी है, इसको बंद किया गया, मैंने देखा। तो जो मैग्नेट का बारे में बता रहे हैं, इसी में सूर्यदेव सस्पेंडेड थे। यहाँ नदी समुद्र संगम था, तो जितना सब जहाज आ रहा था कहावत है, वो जहाज का कंपास को मिसगाइड करके डुबा दिया था। 1498 AD यूरोपियन मैरिनर्स, उनको नाम मेंशन किया गया वास्को डी गामा, जिन्होंने कालीकट से पूरी आए कि क्या इसमें दस्तावेज नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं वो वास्को डी गामा ने इस मैग्नेट को हटा लिया क्योंकि इनका जहाज डूबा दिया था बे ऑफ बंगाल में, उनका कंपास को दिशा को भड़का के ये मिराकल मैग्नेट किया।
52 टन की बताते हैं, 52 टन की। बीच में साउथ और नॉर्थ पोल को कंस्ट्रक्ट करके पूरा बना है, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन पावर कहते हैं। वो ग्रेविटेशन पावर के लिए 800 साल पहले सामने देखिए, सामने कुछ बीम पड़े हुए, आयरन बीम। वो इतना बड़ा बड़ा आयरन, ये 6 टन 3 टन 4 टन का वेट है आयरन बीम, लोहे के बीम, लोहे छड़ी कहते हैं। तो ये सब रॉट आयरन 0.6 अभी भी देखिए, देखिए साइंट परसों को आए थे ITI इंजीनियर, कैलिफोर्निया इंजीनियर, इसको टेस्ट करने के लिए। इसमें बहुत कुछ चीज मिलते हैं, ऑक्साइड मिलते हैं, पोटेशियम मिलते हैं, वो इसको टेस्ट करके देखा है। ये देखिए एक ऐसा एक बीम है जो दिन में ठंडा रहेगी, पूरा ठंडी होगा, कोल्ड हो जाएगा, रात को गर्म होता है। इसे साइंटिफिकल रीजन दिन में लेते हैं, रात को छोड़ते हैं, इसका टेस्ट किया जाता है। ये टोटल जो पीछे वाला गर्भ गृह का अंदर से सपोर्ट के लिए, मैग्नेट के लिए लगे हुए, कुछ इंडिया गेट को चला गया, कुछ सरल, बहुत कुछ चीज़ अभी भी म्यूजियम में रखे हैं, बहुत बड़ा चीज़, सबसे बड़ा चीज़। अब वो मैग्नेट हमारे पास नहीं है, नहीं है। भारत को कहते हैं सोने का चिड़िया, जो नहीं भारत को वो नहीं मरते। ये उत्कर्ण उत्कृष्ट कलाकृति के लिए, जो प्राग इतिहास में सूर्य मंदिर हो, जो मंदिर हो, ये समय हमारा भाषा संस्कृत है, तो कारीगर लोग ने जो निखुन भाषा परिप्रकाश की है वो प्रस्तर युग में मूर्ति में, जैसे आपका सामने देखिए एक पत्थर में यहाँ तिलो मूर्ति बनाया 800 साल पहले, कम्प्लीटली एक मोनोलिथिक स्टोन। शेर है, नीचे हाथी है, हाथी का नीचे एक आदमी लेटा हुआ है, सर दैट इज मोनोलिथिक कम्प्लीटली थ्री स्टैचू मेड बाय वन स्टोन, एक ही पत्थर पे, एक ही पत्थर पे। ये उड़ीसा में जितना मंदिर देखे हैं पहले से देखा है, ये हिंदू जिम का रिलीजन एलिफेंट बुद्धिज्म, क्योंकि यहाँ बौद्ध तंत्र 800 साल पहले था, बताएंगे बुद्ध क्रिस्ट। भारत के लोग सब जाति क्रम ये होता है, आप लोग सब भाषा को भले अच्छा प्यार से लोग समझते हैं, अभी अलग हो गया। सो शेर होता है हिंदू जिम का प्रतीक, हाथी होता है बुद्धिज्म का प्रतीक, आदमी होता है आदि शंकर सनातन धर्म, यही धर्म। धर्म बोले तो बहुत थी, छे का ऊपर शाक्य सिंह, हाँ ये सब छह धर्म है। तो शाक्य धर्म में आप लोग बिलीव करते हैं शेर होता है शक्ति का प्रतीक, हाथी दौलत का प्रतीक। आदमी का पास शक्ति दौलत होने से घमंड पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा, अहंकार बड़ों दर्पण चित्त संचिता, अहंकार छोड़ दीजिए, मैं मेरा ये सब है, मेरा पास इतना ताकत है, ये होने से क्या होगा, ना भगवान को प्राप्ति होगा। तो कैसा होगा ना, आप लोग भगवान जाने से पहले डिजायर मनत छोड़ दीजिए, हे प्रभु सकल शक्ति का आधार सूर्य नारायण, आप सकल शक्ति का आधार, मैं आई एम ट्रस्टिंग, आपका किरण से मुझे ऊर्जा दीजिए, निरोग कीजिए, वाइटाम दीजिए, वट एवर, पहले होने से भगवान वन विल टेक वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड्स, गॉड्स विल टेक 10 स्टेप टुवर्ड्स यूर। मतलब हम लोग एक बार भगवान को सोचने से भगवान हम 10 बार सोचते हैं, तो इसको माछा माया मध्य इसको छोड़ने का बाद लोग भगवान का पास जाते हैं, तो वही चीज बता रहे हैं स्ट्रेंथ एंड वर्ल्ड की गणना। शक्ति धन होने से आदमी से गिर पड़ेंगे, आपका सामने नहीं दिखा रहे, मैं नहीं पत्थर से ऐसा। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व को इसको लेके एवरी स्टोन टेल से डिफरेंट स्टोरी, आपको 1700 मूर्ति ये मंडप पे बनाया, हम तक एक जारी के बता रहे हैं, जैसे पहला मंडप नाट मंडप डांसिंग हॉल में बता रहा था, कलिंगा स्थापत्य कला में पहला मंदिर होते नाट्यशाला, देवदासी देवता के लिए दासी, राजा के लिए दासी, राधा व्यास वो सुनते नर्तकी नृत्य होगा, आज भी हमारे जो माना था वो डिवाइन की रिचुअल डांस, अभी हम लोग अम्यूजमेंट के लिए यूज करते हैं, ये होता है रिचुअल डांस धर्मीय नृत्य, कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, इसमें अलग अलग मुद्रा में 1700 यानी ओडिशी मणिपुरी कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम दांडिया शास्त्रीय संगीत हो रहा था, आमोद प्रमोद जो धर्मीय संस्कृति को परंपरा की में किया जा रहा है, आज हम लोग उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए यही है पहला मंदिर, इसका नाम है नाट मंडप डांसिंग हॉल, इसमें अलग अलग मुद्राएं देखेंगे, मैं आपको दिखाएंगे सुबह से शाम तक एक एक्टिविटीज, एक औरत की
कैसा, इसी में त्रिभंगी, चतुर्भंगी, समभंगी, समपादी, ये सब नृत्य की आसार बता रहे हैं। अब लोग देखिए, नृत्य से पहले इसी के लिए आज जाने जाते हैं कोणार्क, गीत गाइया पत्थर। पत्थर में देखिए सामने ऐसा कुछ ना कुछ ज़्यादा चीज है जो ये पत्थर में बनाए हैं, जो कीर्तिराज हमारा पूर्वज ने आज इसी के लिए देश विदेश में ये जाने जाते हैं। पहले एक औरत सुने उठे अंकड़ाई ले रहे हैं, मिरर देख मेकअप ले रहे हैं, सुबह हम लोग जैसा करते हैं। इसके बाद स्टेज को आए, पहले ये मुद्रा अंजलि मुद्रा, इसके बाद आपने आपको दिख रहे हैं, हम लोग कैसा दिख रहे हैं। शुरू हो गया म्यूजिक, बिना वाद्य नृत्य संगीत, संगीत का उपहार दे रहे टीचर दोनों, देखे लेडीज और जेंट्स। शुरू हो गया संगीत, ओडिसी, मणिपुरी, गुजरात, दांडिया, बिना वादिनी, तुरी, झाज, मृदंग, ये सब देखिए अलग अलग मुद्राएं में, ये चतुर्भंगी, ओडिसी, अलग अलग मुद्राएं में। इसमें कोई देखेंगे जो ऑर्नामेंट पहने हैं, हार जिसको कहते हैं मंगल सूत्र भी कह सकते हैं, तो ये दिखा रहे हैं 800 साल पहले के नृत्य भंगी, फिर रिचुअल डांस। ये होता है एक धर्मीय भावना का चेतना, जिसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा इरोड हो रहे हैं। पहले से बता रहे हैं यहाँ समुद्र का जो खारी हवा, साइलिनिटी, मॉइस्चर, ये सब डिटोरेशन हो रहे हैं इसके लिए। इसका भी इलाज कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल वॉश करते हैं, नहीं तो ये सब झड़ रहे हैं। कितना प्रोमिनेंट था देखिए, आहिस्ते आहिस्ते ये सब खत्म हो रहा है। इसको सिर्फ आपको अमोनिया गैस यूज करते हैं,